नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो वास्तु में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसका सभी लोग लंबे समय से इंतजार और डिमांड कर रहे थे। लोग बाग बड़े बड़ी कॉलोनी काट लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, बड़े बड़े मॉल बना लेते हैं, लेकिन जब निराशा जब हाथ लगती है, जब वह विक्रय बेच नहीं पाते, ना बिकने का कारण क्या होता है? जिस तरह से इंसान का शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, ठीक वैसे ही भूमि भवन भी पांच तत्वों से निर्मित है। जिस तरह से इंसान के शरीर के अंदर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक इतने ही रोग हमारे भूमि के अंदर होते हैं। वात पित्त कफ शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक वात पित्त कफ का संतुलन जब भूमि में बिगड़ जाता है, तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता, आकर्षण कम हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वह भूमि विक्रय नहीं हो पाती है, ठंडी पड़ी रह जाती है। तो हम जानते हैं, आइए, कि क्या है वात पित्त कफ, क्या भूमि में भी होते हैं? जी हां, जब आप दोनों का कंपोजिशन एक ही मान रहे हैं तो दोनों में रोग भी सेम होते हैं। अब यदि वात पित्त कफ का निवारण क्या है और यह वात पित्त कफ को आप भूमि में पहचानेंगे कैसे? जैसे कि इंसान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाला होता है, इसी तरह से तीनों गुण वाला गुण वाली भूमि भी होती है। अब इन भूमियों को हम ठीक कैसे करें कि आप यदि भूमि का विक्रय नहीं हो पाना, सबसे पहले हम जान लें कि वह वहां बात की प्रॉब्लम है, वायु विकार है, या कफ है मिट्टी में, या फिर उसमें पित्त है, या मिट्टी से सॉइल की टेस्टिंग से आपका परीक्षण हो जाता है। यदि जिस भूमि में वायु विकार से मतलब है कि बाहरी हवा का प्रकोप, यानी कि भूत प्रेत ऐसी अदृश्य शक्तियां, जब भूमि बाधित शापित हो जाती है, तब भी भूमि विक्रय नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में हम कैसे निवारण करें बिना बहुत कम खर्चे के? आज मैं जो आपको उपाय लेकर के आया हूं, इसमें बहुत लंबे खर्चे नहीं है, बल्कि कुछ उपाय तो ऐसे हैं कि 100 रुपए में भी मैंने कॉलोनियां बिकवा दी हैं। कई कॉलोनी ऐसी थी जिनमें यह वायु विकार था और उसके कारण वह भूमि विक्रय नहीं हो पा रही थी। लॉन्चिंग किया, कई बार अनेक फंक्शन भी रखे, फिर भी नहीं विक्रय हो पाई। एक सिरिफल नारियल के माध्यम से जब मैंने वास्तु रजिस्ट्री संपन्न की उस भूमि पर, उन देवों को उन स्थान पर आह्वान किया, तब वह 24 घंटे के अंदर वह पूरी की पूरी कॉलोनी विक्रय हो गई, बिक गई, सिर्फ एक नारियल के माध्यम से। यह है वास्तु रजिस्ट्री, जो कि मेरे YouTube चैनल पर आपको अनेक जगह इसका जिक्र मिल जाएगा, संपूर्ण विधि। अब दूसरा, पित्त यानी कि अत्यधिक गर्म हो जाना भूमि का, संतुलित रहती है तो ठीक है, वह आप कैसे जानेंगे? जब किसी भूमि पर जाएं और उसमें गड्ढे में खोद करके पानी डालें, वह भूमि पूरे पानी को इमीडिएट ही ग्रहण कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, सूख जाए पूरा गड्ढा, यानी पित्त भड़का हुआ है उस भूमि का, तब ऐसी भूमि में पित्त को शांत करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पित्त को शांत करने के लिए गोशंगोदक, यानी कि गाय के सींग के ऊपर से आप जल डालेंगे चांदी के पात्र में रख करके, और उस जल को करीब करीब 20 या 25 लीटर तैयार करें और उस जल का पूरी भूमि पर सिंचन कर दें। एक उपाय है। दूसरा उपाय, आप चारों दिशाओं चारों विदिशाओं में 4 गड्ढे खोदिए एक एक हाथ के, और उनमें सबसे पहले पीली सरसों, उसके ऊपर 1.25 किलो पीली सरसों, 1.25 पाव सफेद सरसों, और 1.25 किलो एक एक गड्ढे में आप क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाल दीजिए, ऊपर से गड्ढे को पैक कर दीजिए गौशाला की मिट्टी से, और उन गड्ढों के ऊपर गौशंगोदक यानी गाय के सींग के ऊपर से शुद्ध नदी का जल डाल करके चांदी के पात्र में इकट्ठा करते हैं, उससे तैयार होता है गौशंगोदक, यानी सींग के ऊपर का जल निश्चित रूप से सारी नकारात्मक एनर्जी को पित्त को शांत करा देता है। यहां तक कि विश्वकर्मा प्रकाश में जिक्र आता है कि यदि किसी व्यक्ति को भी कैंसर हो जाए
और इस गोशंगोदक जल से स्नान कराया जाता है तो वह कैंसर और एड्स जैसी बीमारी से भी निजात पा लेते हैं। अब तीसरा उपाय बहुत मजेदार है, यदि कफ प्रकृति की भूमि हो, कफ यानी कि वो ठंडी पड़ गई हो, कोई भी व्यक्ति आता है इसको कैसे पहचानेंगे, जब कोई भी व्यक्ति आपके सौदे के लिए आएगा देख के चला जाएगा ठंडा पड़ जाएगा, तो इसे गर्म कैसे करें, गर्मी पैदा करने के लिए जिस तरह से जब किसी के लिए निमोनिया हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए नाभि में कामा सिंदूर लगा दिया जाता, बहुत गर्म होता है, दो घंटे में व्यक्ति चेतन हो जाता है, ठीक इसी तरह से हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गड्ढे खोदें और उसमें कामा सिंदूर पीली सरसों सबके नीचे डालेंगे, कैटलाइजर है तो उत्प्रेरक है, और इसके ऊपर हम कामा सिंदूर डालेंगे। कामा सिंदूर के बाद इसमें हम मरकरी का एक स्वास्तिक और एक पिरामिड इन तीनों गड्ढों में डाल करके गौशाला की मिट्टी से कैप कर देंगे, बस यह आपकी कफ प्रकृति को शांत करा देगा। लेकिन जब किसी भूमि पर बहुत सारे विघ्न आते हों, कभी कभी झगड़े या फिर विवाद या कोर्ट कचहरी, इवन दैट कि आपके कभी कभी क्या होता है कि आपके आपस में फूट पड़ जाती है, पड़ोसी भी आपकी जगह के लिए विघ्न डाल रहा है, पार्टनर भी विघ्न डाल रहा है, तो विघ्न नाशक ध्वज बताए हैं देवताओं के। यहां पर ध्यान रखना कि मैं जो उस कॉलोनी के लिए विक्रय करने के लिए ध्वज बता रहा हूं, इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले हुए हैं। कई लोग ध्वज तो लगाते हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ध्वज, लेकिन गलत लगा देते हैं। आज मैं जो ध्वज बता रहा हूं वो देवताओं के हैं, यहां तत्वों के नहीं है, एलिमेंट के नहीं है। नॉर्थ में आप सफेद रंग का ध्वज लगाएं ऊंचा सा, और नॉर्थ ईस्ट में चमकीला सफेद, बिल्कुल चमकदार सफेद, और ईस्ट में गोल्डन येलो कलर का। अब साउथ ईस्ट के देवता के लिए हम ग्रे कलर का, और साउथ में यम देवता है, यम है साउथ में, यम है, यहां रेड कलर नहीं चाहिए। यम के लिए यम की ड्रेस आप देखोगे तो काली ड्रेस होती है, काला ध्वज, और साउथ वेस्ट में राहु है तो यहां पर आपके लिए ड्रेस जो चाहिए, ध्वज जो चाहिए, वहां पर भी ब्लैक चाहिए। वेस्ट में वरुण है तो वहां पर सफेद, और नॉर्थ वेस्ट में वायव्य के लिए ग्रीन कलर का आप ध्वज लगा दें, तो इस तरह से ये आपका पाथ तैयार हो जाएगा और आपके देवता सारे विघ्नों को शांत कर देंगे, उपद्रवों को शांत कर देंगे, शासकीय बाधाओं को समाप्त कर देंगे, और आपको परमिशन प्राप्त हो जाएगी, बसरते कि प्रत्येक ध्वज पर आप एक एक जल युक्त नारियल को लगाएंगे, टांगेंगे, बांध देंगे पीली सरसों के सहित, तो निश्चित रूप से आपको सफलता, विघ्नों से निजात प्राप्त होगी और आपकी भूमि विक्रय हो जाएगी। यह तीन उपाय आप आजमाएंगे बात पित्त कफ के, तो निश्चित रूप से यह तीन ही रोग होते हैं इंसान के अंदर जो अनेक अनंत रोगों को उत्पन्न करा देते हैं, और यह तीन रोग होते हैं भूमि के अंदर जो अनेक प्रकार के संकट, विघ्न, बाधा और विलंब आपके प्रोजेक्ट को करा देते हैं। तो सीखता करिए और आप अपने बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए उपाय करें।